दोस्तों ये यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो इस यूनिवर्स के हर एक कोने में आपको देखने को मिल जाएगी वो है खतरा। यहाँ पर आपको लाइफ की पॉसिबिलिटीज मिले ना मिले, लेकिन लाइफ खत्म होने की हजारों पॉसिबिलिटीज सामने दिखती हैं और उनकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि कई बार तो हम उसे इमेजिन भी नहीं कर पाते। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बेहद खतरनाक है। सोलर सिस्टम में मौजूद ऐसी ही एक खतरनाक चीज है जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट। ये असल में एक विशाल स्टॉर्म है जो कई सौ सालों से जुपिटर के सरफेस पर एक्टिव है, एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके एरिया में हमारी धरती आसानी से फिट हो जाएंगी। इसका डायामीटर पृथ्वी के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। मतलब जस्ट इमेजिन, आप भारत से अमेरिका तक की डिस्टेंस यानी कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल कर लेंगे और फिर वहां से वापिस भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे जितने में ये स्टॉर्म फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी पर जब कोई स्टॉर्म आता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही करता है और हम इंसानों को बहुत नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन ये सारे स्टॉर्म्स द ग्रेट रेड स्पॉट के सामने तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर द ग्रेट रेड स्पॉट बना कैसे, ये कितना स्ट्रांग है, और एक सवाल जो आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या द ग्रेट रेड स्पॉट खत्म होने वाला है। जानने के लिए आज की इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। बात है सन 1989 की। नासा का वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट वो पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जो सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट यानी कि नेपच्यून तक पहुंचा था। इससे पहले हम नेपच्यून के एग्जिस्टेंस के बारे में तो जानते थे और टेलीस्कोप के थ्रू इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की गई थी, लेकिन हम कभी भी इसके डिटेल्ड इमेजिंग या क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए थे। वॉयजर 2 ने देखा कि नेपच्यून, जो एक खूबसूरत ब्लू कलर की बॉल जैसा लगता है, उसके सरफेस पर एक बड़ा सा काला धब्बा है। ये डार्क स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि एक जाइगेंटिक स्टॉर्म था। ये स्टॉर्म करीब 13,000 किलोमीटर लेंथ और 6,000 किलोमीटर विड्थ में फैला हुआ था, लेकिन इसके सिर्फ 5 साल बाद जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून को ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मतलब वो डार्क स्पॉट पूरी तरह डिसअपीयर हो चुका था। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें जुपिटर के जायंट रेड स्पॉट की तो ये कम से कम 350 साल से जुपिटर के सरफेस पर एक्टिव है। अब क्योंकि जुपिटर पृथ्वी से काफी करीब है इसलिए हम इंसान इसकी ऑब्जर्वेशन भी लंबे समय से कर रहे हैं। साल 1665 में इटली के एक एस्ट्रोनॉमर जियोवैनी डोमेनिको कैसिनी ने सबसे पहले ये बताया था कि जुपिटर के सरफेस पर एक परमानेंट स्पॉट है। साल 1665 से 1713 तक इस रेड स्पॉट को लगातार ऑब्जर्व किया जाता रहा, पर इसके बाद 100 सालों से भी ज्यादा समय तक इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। साल 1878 में एक बार फिर से इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की गई और वो आज भी कंटिन्यू है। कुछ लोग मानते हैं कि सन 1665 में कैसिनी ने जो रेड स्पॉट देखा था वो एक दूसरा स्पॉट था और 1878 से हम इंसान जो स्पॉट देख रहे हैं वो अलग है, बट मोस्टली साइंटिफिक कम्युनिटी तो यही मानती है कि ये स्पॉट्स असल में एक ही है। और अगर ऐसा है इट मीन्स कि ये स्टॉर्म कम से कम 355 सालों से तो वहां पर एग्जिस्ट करता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व किया गया सबसे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म है। जायंट रेड स्पॉट जुपिटर के इक्वेटर से करीब 22 डिग्री साउथ की ओर स्थित है। अगर हम धरती पर आए सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्टॉर्म की बात करें तो वो था साल 1994 में आया हरिकेन जॉन। ये करीब 31 दिनों तक रहा था और इसने पैसिफिक ओशन में ऑलमोस्ट 13,280 किलोमीटर ट्रेवल किया था। पर अगर हम जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स पर आने वाले जाइगेंटिक स्टॉर्म्स की बात करें तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वहां आने वाले स्टॉर्म्स कुछ दिन नहीं बल्कि कई महीने और कई सालों तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन कैसे? उन स्टॉर्म्स में ऐसा क्या है जो हमारे धरती के स्टॉर्म्स में नहीं है? इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि धरती पर स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं।
स्टॉर्म्स या हरिकेन्स मोस्टली ट्रॉपिक रीजन्स के ओशंस में बनते हैं। यहाँ पर पानी काफी गर्म होता है और सनलाइट के कारण यहाँ का वार्म वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो ऊपर की ओर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। ये क्लाउड्स उस जगह पर हीट को इंक्रीज करते हैं और कुछ सर्टेन कंडीशंस में इस एरिया में गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगती है और ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है। अब क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो आसपास की हवा हाई प्रेशर एरिया से उस लो प्रेशर एरिया की ओर ट्रैवल करने लगती है और ये विंड्स एक सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जुपिटर पर आप जिस जायंट रेड स्पॉट को देखते हैं वो असल में एक एंटी साइक्लोन है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर बस इतना सा होता है कि साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में बनते हैं जबकि एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक और कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब मैं स्टॉर्म हरिकेन या साइक्लोन की बात कर रहा होता हूँ तो मेरा मतलब एक्चुअल में सिर्फ एक ही चीज से होता है। ये नाम बस धरती पर अलग अलग एरिया से स्टार्ट होने वाले स्टॉर्म्स को दिए गए हैं, बाकी सबका बेसिक कंसेप्ट सेम ही होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है और वो एक गैस जायंट है, इस कारण उसकी अलग अलग लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। जायंट रेड स्पॉट की दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में दो जेट स्ट्रीम्स तेजी से ट्रेवल कर रही हैं और इन्हीं के कारण ये स्टॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट ये उसे आगे ना ले जाते हुए एक ही जगह पर लगातार घुमाती रहती है। हमारी धरती पर स्टॉर्म्स को हीट सनलाइट की मदद से मिलती है जो नॉर्मल कंडीशन में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है, बट जुपिटर के स्टॉर्म्स को पावर मिलती है इसके कोर के हीट से जहां का टेम्परेचर करीब 50,000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये स्टॉर्म्स बेहद पावरफुल होते हैं। हमारी धरती का एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यहाँ जमीन भी है। जब धरती के हरिकेन समुद्र के किनारे वाली जमीन से टकराते हैं तो ये अपने आप ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं, पर जुपिटर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के हरिकेन्स जमीन ना होने के कारण लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कई 100 सालों तक एक्टिव रहते हैं। साल 1996 में ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आए साइक्लोन ओलिविया के दौरान विंड स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई थी, जो आज तक धरती पर ऑफिशियली रिकॉर्डेड हाईएस्ट विंड स्पीड है। अभी हाल ही में आए अम्फान साइक्लोन की हाईएस्ट रिकॉर्डेड विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की थी। लेकिन अगर बात करें जुपिटर के जायंट रेड स्पॉट की तो इसकी स्पीड 680 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। अब आप खुद ही ये इमेजिन कर सकते हो कि जब अम्फान साइक्लोन इतनी ज्यादा तबाही कर सकता है तो द जायंट रेड स्पॉट कितनी ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जुपिटर की जायंट रेड स्पॉट इतनी ज्यादा खतरनाक है तो हम जो नेपच्यून की डार्क स्पॉट की पहले बात कर रहे थे वो इतनी खतरनाक क्यों नहीं है और वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नेपच्यून का डार्क स्पॉट तो जुपिटर के रेड स्पॉट से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी विंड स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है, पर चूंकि ये ऑपोजिट जेट स्ट्रीम्स के कारण मोशन नहीं करता है इसलिए ये लगातार आगे बढ़ता रहता है, ना कि केवल एक ही जगह पर बना रहता है। इस कारण ये दूसरी डायरेक्शन में चल रही विंड से टकराता रहता है और समय के साथ साथ वीक होकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि भाई मैंने ये सुना था कि जुपिटर का जायंट रेड स्पॉट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्या ये सच है? वेल, इसका जवाब है हाँ। 19वीं शताब्दी के अंत में जब इस जायंट रेड स्पॉट के साइज का अंदाजा लगाया गया था तो ये करीब 40,000 किलोमीटर लेंथ और 14,000 किलोमीटर विड्थ का था। मतलब उस समय इसके अंदर पृथ्वी जैसे दो ग्रह तो आराम से समा सकते थे। लेकिन जब 1989 में वॉयजर 2 वहां गया तब इसकी साइज लगभग आधी ही बची थी। इसके बाद हुई ऑब्जर्वेशन से ये सामने आया कि जुपिटर का जायंट रेड स्पॉट हर साल करीब 1000 किलोमीटर के एरिया के रेट से छोटा होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 से 2040 के बीच ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब अगर मुझसे इसका रीजन पूछोगे तो भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जायंट रेड स्पॉट के श्रिंक होने की प्रोसेस कई सालों से ऑब्जर्व की जा रही है, बट साइंटिस्ट को अभी तक इसका कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आया है।
हो सकता है कि ये जुपिटर के एनवायरनमेंट में हो रहे कुछ अननोन चेंजेस के कारण हो रहा हो। हम इंसान तो अभी तक पृथ्वी के मौसम को भी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, देन वो तो जुपिटर है। लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आती है और वो ये है कि अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज ना के बराबर है। इस असीम ब्रह्मांड में रहस्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, यही बात हमारे ह्यूमन क्यूरियोसिटी पर भी लागू होती है। इट्स इनफाइनाइट। इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों जगह जाके हमें लाइक और फॉलो कर लो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।